नेपाल सीमा 9 किलोमीटर, और इस समय हम लोग हैं सौरतगढ़ में। सौरतगढ़ से आगे निकल रहे हैं। यहाँ से नेपाल सीमा 9 किलोमीटर है जो दिखा रहा है। सबसे नजदीक बॉर्डर हमारे घर से यही है। मुख्यालय से 17 किलोमीटर है ना ये। नमस्कार दोस्तों, ड्राइविंग हार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम यात्रा कर रहे हैं नेपाल की, और नेपाल में हम आज जाएंगे सुपा देवराली करके एक जगह है, माता जी का मंदिर है। काफ़ी अनसीन जगह है, लेकिन इधर लोकल्स को काफ़ी पता है और काफ़ी कम दूरी पे है ये। सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट से मात्र 110 किलोमीटर पे, बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन। ब्लॉक का शुभारम्भ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले ट्रक लगे हुए हैं सब क्रॉस करने के लिए। ये है पुनवा बॉर्डर, छोटा बॉर्डर है। यहाँ भी बहुत ट्रक है यार। ये सरयू नहर खंड वाला है ना, जो नया वाला स्टार्ट हुआ है। पूरे बॉर्डर में चल रहा है बॉर्डर वाले एरिया का। बॉर्डर से पहले तो बॉर्डर स्टार्ट ही है। सुविधा खत्म हो गया ना? सुविधा खत्म कर दिया गया। सही था। ये खुनवा मार्केट है ना? मार्केट का नाम खुनवा ही है कि खुनवा ही है। सामने देखिए बॉर्डर दिख रहा होगा, यहाँ एंट्री कराएंगे। सीमा शुल्क वहाँ रुकना है? हाँ वहाँ रुकना है। वहाँ एंट्री होगी पहले SSB वाले पे, उसके बाद आगे। हाँ चलो, ये सामने ही बॉर्डर है। और यहाँ पे ये देखिए कुनवा थाना है, पुलिस चौकी कुनवा। और यहाँ गाड़ी चेक हो रही है, डिग्गी चेक होती है जाने से पहले। हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। हम सामने वो लिखा हुआ है, नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा वीडियो। और हम नेपाल में इस समय एंट्री करा रहे हैं नेपाल में। अभी आगे बैरिकेड लगा हुआ, वहाँ भी एंट्री कराएंगे। कुनवा बॉर्डर क्रॉस करते ही ये, हाँ, प्रहरी मर्यादपुर चौकी है ये नेपाल में। ये तुरंत बॉर्डर क्रॉस करते ही इधर मर्यादपुर है और उधर कुनवा बॉर्डर है, बीच में नो मैन्स लैंड है। यहाँ भी एंट्री हो रही है। अब यहाँ से निकलेंगे सीधे आगे के लिए। यहाँ बॉर्डर पे सिर्फ एंट्री होती है, पुलिस वालों ने अभी शुरू किया है। एक बार पुलिस वाले कर रहे हैं, फिर पुलिस चौकी कुनवा, उसके बाद फिर SSB कर रही है उसके 10 मीटर या 50 मीटर आगे पे, उसके बाद 100 मीटर आगे पे ये नेपाल बढ़ जाएगा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और यहाँ मर्यादपुर चौकी है, यहाँ एंट्री हुई है। अब आगे जाके भंसार बनेगा, यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा ना, 2 किलोमीटर होगा, वहाँ भंसार बनेगा फाइनली। तब उसके बाद फाइनली एंट्री होगी हम लोगों की। ये भंसार कार्यालय आज पहुंच चुके हैं। आज संडे लग रहा है, काफी भीड़ है। इस समय हम लोग सुखौली भंसार कार्यालय पर पहुंच चुके हैं, जो कि कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ भंसार मनवाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। ये देखिए आज काफी भीड़ है, संडे होने की वजह से, नहीं तो यहाँ भीड़ नहीं रहती। भंसार कार्यालय से हम निकल चुके हैं और ये भंसार हम लोग का बन चुका है। देखिए 300 रुपये लगते हैं, 500 रुपये नेपाली या 300 रुपये इंडियन। आज काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। फाइनली अब भंसार कार्यालय से आगे निकल रहे हैं। अब अपनी गाड़ी से निकलेंगे हम सुपा देवराली की तरफ। चलिए चलते हैं। ये जो दिख रहा है ये सुखरौली भंसार कार्यालय है। चलिए अब आगे निकलें।
भंसार बनवाने के बाद अब सीधे हम लोग निकल चुके हैं और सीधे हम लोग जाएंगे। और ये देखिए जो बैरिकेटिंग है, ये है तौलियावां मार्केट। तौलियावां मार्केट मतलब बॉर्डर से आने के बाद 12 किलोमीटर है करीब दूरी बॉर्डर से, तौलियावां मार्केट का खुनवा बॉर्डर से। और ये बड़ा मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ से भी कहीं मुड़ना नहीं है, हम लोगों को सीधे चलना है। हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से आते हैं तो सबसे नज़दीक का बॉर्डर यही है खुनवा बॉर्डर। काफ़ी छोटा बॉर्डर है लेकिन यहाँ भीड़ नहीं रहती, इसलिए हम हमेशा इधर ही से आना प्रेफर करते हैं, सोनौली बॉर्डर से नहीं जाते हैं। और ये जो हिल स्टेशन जा रहे हैं सुपा देवराली, वो सबसे नज़दीक है। और ये देखिए जो चौराहा राइट साइड मुड़ा हुआ था रोड, ये 4 नंबर इसको बोलते हैं, ये सीधे चला जाएगा बुटवल के लिए। लुम्बनी भी जा सकते हैं उधर से, बुटवल और लुम्बनी दोनों जगह जाएगा। हम लोगों को कहीं मुड़ना नहीं है, हम लोगों को सीधे चलना है। आगे अभी एक जंगल पड़ेगा, जंगल जब ख़त्म होगा वहीं से हम लोगों को लेफ्ट मुड़ना होगा। चलिए देखिए जंगल आ गया, काफ़ी सीनिक एरिया अब शुरू हो गया है। ये जंगल का रास्ता जो है ये भी काफ़ी सीनिक है। इसके बाद भी अभी थोड़ी देर में पहाड़ दिखने लगेगा और वो भी काफ़ी सीनिक रहेगा। आगे आपको दिखाते रहेंगे, आप नज़ारों का मजा लीजिए। अब देखिए जंगल यहाँ पे समाप्त होगा, हम लोगों को लेफ्ट जाना है और राइट चले जाएंगे तो बुटवल के लिए चले जाएंगे। जिस पे ये ट्रक चल रहा है ये हाईवे है, इधर देखिए ये सीधे रोड चली जाएगी नेपालगंज के लिए और आगे भी जाएगी। यहीं से 500 मीटर हम लोग लेफ्ट मुड़े हैं और यहीं से 500 मीटर पे राइट मुड़ जाएंगे तो हम लोग सुपा देवराली के लिए चले जाएंगे। ये देखिए आने वाला है ये चौराहा, यहीं से हम लोग राइट मुड़ रहे हैं अब इसी चौराहे से और सीधे फिर हम लोग सुपा देवराली के लिए चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्रैवलर भी मिलता है। आप लोगों को सामने पहाड़ दिखने चालू हो गए होंगे। अब ये देखिए ये जो सामने गेट दिख रहा है, अब यहीं से पहाड़ पे ऊपर चढ़ना चालू कर देंगे। पहाड़ यहीं से स्टार्ट है और ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से ठीक 40 या 42 किलोमीटर दूर पे मंदिर है सुपा देवराली करके। और मौसम यहाँ काफ़ी बढ़िया रहता है और काफ़ी सुंदर रहता है। सामने देखिए काफ़ी बड़ा सा आप लोगों को झरना दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा है। अभी देखिए वहाँ पे जा रहे हैं, ये जो पुल है इसके लेफ्ट साइड में अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए बारिश जब होती है तो काफ़ी तेज यहाँ पानी आता है और यहाँ रुकते हैं अभी चल के आपको झरने का। कोंद्रे खोला नाम है इसका और यहाँ आपको दिखाते हैं सड़क है, यही पुल है, इसी से सीधे निकल जाएंगे हम लोग तो सुपा देवराली चले जाएंगे। और झरने का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर झरना है।
अब झरने की तरफ चलते हैं। जंगल और झाड़ियाँ ये सब देखिए अंदर से चल रहे हैं, पानी हर तरफ से निकल रहा है। चलिए अभी झरने के अंदर दिखाते हैं हम लोगों को। ये देखिए यहाँ भी देखिए वाटरफॉल, हर जगह से पानी ही पानी, लेकिन अभी कम है। बारिश होता है तो काफ़ी तेज रहता है बहाव यहाँ पे, तब अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर गाड़ी में बैठते हैं और आगे निकलते हैं सीधे। अब इस समय देखिए हम अब बादलों के अंदर चल रहे हैं, बादल ही बादल पूरा। और इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये देखिए नज़ारे। अब हम यहीं जंगल में एक जगह रुके हुए हैं फोटोग्राफ्स और कुछ रील्स वील्स बनाने के लिए। यहाँ से बना के फिर आगे निकलेंगे। रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रुक गए हैं, नूडल्स वूडल्स खाएंगे और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये रेस्टोरेंट के पीछे का नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत। अब यहाँ से नूडल्स खा के निकलेंगे आगे के लिए। चलो निकला जाए। कौन सी जगह है ये बताइए भाई संजू भाई, कौन सी जगह है? नील की नजर चली गई आगे देख रहे हो नज़ारे। हम अभी तक हम लोग बादल में चल रहे थे, अब धूप में
सुपा देवराली अब हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको छोटा सा गुंबद मंदिर का, और नेपाल में इसी तरह के मंदिर होते हैं, पिरामिड टाइप के बने होते हैं जैसे, और ज़्यादातर लकड़ी का बना होता है मंदिर। और ये माता जी का मंदिर है सुपा देवराली, काफ़ी खूबसूरत जगह पे है। और ये देखिए पहाड़ी के एकदम किनारे पे ही है, मौसम देखिए, ये माता रानी का मंदिर है, ये सामने दिख रहा है आपको, यही है मंदिर देखिए। नेपाल में इसी तरह के मंदिर मिलेंगे, काठमांडू चाहे पशुपतिनाथ देख लीजिए। और ये देखिए प्रसाद की दुकान, यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, चलेंगे मंदिर में दर्शन करेंगे। यह मंदिर में काफी कबूतर रहते हैं, मंदिर के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, हमेशा बैठे रहते हैं मंदिर के ऊपर। और एंट्री इधर से है, और सामने ही देखिए पार्किंग है मंदिर के सामने ही, यहीं पार्क होती है गाड़ी, यहीं प्रसाद लीजिए। और इधर से अब चल रहे हैं हम लोग, स्टील का बना हुआ है बैरिकेडिंग, इसी से चल रहे हैं। तो मंदिर का गेट, देखिए पहाड़ पे हमेशा छोटे छोटे ही मंदिर होते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पानी ये देखिए, यहाँ पैर धुल लीजिए, हाथ धुल लीजिए, काफी ठंडा पानी है। ये है मेन मंदिर, यही है कबूतर बैठे हुए, ये भोलेनाथ। चलिए आपको माता जी के दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए माता जी की मूर्ति यही है, ये है माता जी। ये मंदिर के साइड से परिक्रमा करने के लिए अगरबत्ती यहाँ पे जलाते हैं। और देखिए ये मंदिर के पीछे साइड से परिक्रमा करते हैं, और ये है दीप लगे हुए हैं रेलिंग पे। मंदिर के पीछे का नजारा आप देखिए, अभी ग्रिल के ऊपर से दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए कबूतर का बच्चा एक मर गया है शायद, और यहाँ कबूतर रहते हैं, बच्चे भी हैं काफी। और ये दान पात्र, यहाँ पे रसीद कट पाते हैं अपनी स्वेच्छा से, जो भी आप कर सकते हैं दान कर सकते हैं। यहाँ भी दान पात्र है सामने। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। हे जगत जननी माता, दर्शन करके अब बाहर आ गए हैं। ये देख लीजिए मंदिर, मंदिर का प्रांगण, मंदिर का परिसर जो भी कह लीजिए। सामने रोड है, मेन रोड यही है, गाड़ी हमारी खड़ी है। और इधर आप निकल जाएंगे सीधे तो अर्घा काछी करके बड़ा मार्केट है, उधर आप चले जाएंगे। अब दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे, प्रसाद को पैक करा रहे हैं। जय माता रानी, जय अम्बे माँ जगदम्बे माँ, कृपा बनाइए। चलते हैं अब घर की तरफ, वापसी करते हैं, देखते हैं एक आगे रेस्टोरेंट है वहाँ खाते होते हैं कुछ चल के,
उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। आगे है एक रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे चलते हैं। रिसॉर्ट है और रेस्टोरेंट भी है। चलिए बाय बाय दोस्तों, अब आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में।